मस्त है संदीप। यस, तो मैंने आपको बताया था कि एनडीए का जो मैंने पेपर आपको मॉक टेस्ट पेपर डाला था, उस मॉक टेस्ट पेपर के आज मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो मॉक टेस्ट पेपर में आपको फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में आपने सोल्व किया होगा, कई बच्चों ने सोल्व किया है मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने कॉमेंट्स बॉक्स में या पर्सनल फोन करके नहीं पूछा, इसका मतलब आपका पढ़ाई में ध्यान कम है। तो बच्चों, ने आपको पहले कहा था कि 100% आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा, आप इन क्वेश्चंस को करिए, 100% क्वेश्चन आपको एनडीए के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट के आंसर, पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर नंबर एक होगा, सेकेंड नंबर का जो सवाल था उसका आंसर एक होगा वन, क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वन आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का वन होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का फोर होगा, सेवन्थ का वन होगा, एट का वन होगा, नाइन्थ का आंसर थ्री होगा, टेंथ का टू होगा, इलेवंथ का फोर होगा, ट्वेल्थ का टू होगा और थर्टीन का थ्री होगा। तो आप अपने नोट जो आपने सोल्व किए हैं उस आंसर को मिलाइए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में डालिए, मेरे पर्सनल नंबर पर आप पूछ सकते हैं, आपकी लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस क्वेश्चन के जवाब करने हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर टू है जो एनडीए के साथ साथ ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर आपके पास आएगा और जी मेंस के अंदर आएगा और ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन आप दे रहे हैं उसमें सब में आएगा, बट कुछ डिफरेंस है, जैसे इसमें है गरवली का रखा है जो ट्वेल्थ बोर्ड में नहीं है, बट ये आपके एनडीए के अंदर है, जी मेंस के अंदर है, जो हाई लेवल के कंपटीशन है सबके अंदर होगा। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर टू एनडीए ट्वेल्थ और जी मेंस और ऑल कॉम्पिटिशन आज आपके पास है, नंबर मॉक टेस्ट पेपर नंबर टू है, e की पावर x 1 प्लस साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, अलग अलग करिए और आप इसका आंसर निकालिए। तो e की पावर x tan x plus c, e की पावर x sec x plus c, e की पावर x 1 प्लस cos x plus c, none of these। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब राकेश लिखिए आपने, राकेश संदीप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है, cos इनवर्स 4x टू माइनस 3x है, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, सी cos इनवर्स x का, ऐसे शॉर्टकट बनते हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए और आपको मात्र 10 मिनट के अंदर इसका आंसर देना है, आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर दो आप इसको लिखेंगे क्या, 3 cos इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप करेंगे इसको फर्स्ट और सेकंड सपोज करके, इसके तीन फोर आंसर है, 3 cos इनवर्स x रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, या 3 क्या है बार ये 3x cos इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, या 3x cos इनवर्स x माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, dx upon 1 plus 3 sin square x plus 8 cos square x, आपको मैंने बता रखा है इस टाइप का, जब भी लाइफ के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है आप डिवाइड बाय cos square x लगा दिया या sin square x ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते आपको tan x बराबर t पुट करना है, आप 100% आपको आंसर मिलेगा, आप ऐसा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, dx upon root 9 minus 25 x square है, x square का कोफिशिएंट आप 25 को बाहर निकालिए और फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो आपने नोट कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट आगे जो है क्वेश्चन नंबर फाइव है, डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस ई की पावर एक्स है, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चार ऑप्शन आपको गिवन है, साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, तो टू कोस इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, टू माइनस टू कोस हाइपेराबोलिक इनवर्स, क्या है ये हाई पैराबोलिक, जबकि ट्वेल्थ में नहीं है, ये एनडीए में जी मेंस के अंदर आपके ऑल कंपटीशन के अंदर है, तो हाई पैराबोलिक के बारे में मैंने आपको इसकी जब थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर आपको दे रखा है। फोर्थ के अंदर टू साइन हाई पैराबोलिक इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास है, जीरो से पाई डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स है, आप चाहो तो टेन के टर्म्स में बदल सकते हैं, आप चाहो तो इसको 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करिए, चार ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, क्या करना, रेशनलाइज करिए और इसका आंसर लाइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके आगे के आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके पास है, जीरो से वन टेन हाई पैराबोलिक एक्स, मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन लिखा रखा है, तो आप देखिए
10 हाइपरबोलिक एक्स का पहले इंटीग्रेशन लिखो, फिर इसके अंदर लिमिट रखो, आपका चार आंसर में से कोई सा भी एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 07 x की पावर x dx / x + 1 होल स्क्वायर, इसके चार ऑप्शन है, e - 1, e - 1, e/2 - 1, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आज आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चंस को करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपको फास्ट मिलेगा। जितने ज्यादा आप पास्ट करेंगे उतना ही आपको पास्ट वीडियो मिलेगा। जो आपका सितंबर में एग्जाम है या अप्रैल में एग्जाम है, ऑल इंडिया का कभी भी आपके एग्जाम चलते रहे, आप इनको करिएगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा इसका AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको बताऊंगा। तो आप इस सवालों को करिएगा और ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा बेनिफिट आप उठाइए, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए।